Hola amigos, welcome back to my channel. So I actually never thought in a million years that I'll be vlogging from my balcony क्योंकि इतना शोर आता था यहाँ पे गाड़ियों का और सब कुछ, जैसे भाई साहब नॉन स्टॉप हॉर्न बजाए जा रहे हैं, कोई बंदा नहीं है पूरे रोड पे बट हॉर्न बजाना है. आई नेवर थॉट दैट आई व्लॉग फ्रॉम माई बालकनी और मैं टोपा शोपा पहन के बाहर आ गई, जैसे पता नहीं कहाँ जाना है, पता नहीं. आई जस्ट फेल्ट लाइक वेयरिंग अ हैट एंड बहुत अच्छा मौसम हो रहा है वैसे. एंड आई हैव माई लेमन वाटर विद मी. So I just wanted to start this vlog from here and I don't exactly know what I'm going to name this vlog because this vlog is actually segregating the tickets and passes and pata nahi kya kya cheeze that I have hoarded over the years thoda se travel se kuch idhar udhar se. So I was just clearing up my room a little bit more kyunki har din थोड़ा थोड़ा क्लियर करती हूँ. तो आज सुबह उठ के मैंने कहा यार ये जो वाइट मेरी जो अलमीरा है ना, मैंने वहाँ पे ऑलरेडी वर्ल्ड मैप लगा लिया है तो उस पर और क्या चीज़ें मेरे को लगाने का मन था, तो मैंने वो बहुत सारी चीज़ें ना इकट्ठी करके अपने एक दूसरे बेड पे रखी हुई थी कि चल इसको बाद में देखूँगी, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड एफर्ट. सो आई एम गोइंग टू वॉक यू थ्रू ऑल द सिटी मैप्स दैट आई हैव कलेक्टेड. एंड सबसे प्यारी चीज़, आई हैव कलेक्टेड दिस 3 years अगो जब मैं अपनी सोलो ट्रिप पे गई थी. सो आई हैव थिंग्स फ्रॉम दैट और अब तो तूलों की भी एड ऑन हो जाएंगी. सो वॉट वी आर गोइंग टू डू टूडे इज़ कट अ फ्यू मैप्स और जो भी चीज़ें अच्छी सी एस्थेटिक सी लगेंगी वो सब जाएंगी मेरी वाइट अलमीरा पे जहाँ पे ऑलरेडी मैप जा चुका है. अभी ऐसे समझ नहीं आएगा, आई टेक यू इनसाइड और तब दिखाती हूँ. बट अभी आई हैव माई लेमन वाटर. इतना अच्छा मौसम हो रहा है यार, आई फील लाइक गोइंग ऑन अ ड्राइव बट फालतू का पेट्रोल नहीं खरीदना. नाउ आई गेट इट कि मेरे को हैट पहनने का मन क्यों गया, क्योंकि आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू ऑल द मैप्स एंड एवरीथिंग. तब मैंने कहा यार ये काफ़ी ना इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, लेट्स मेक अ व्लॉग अबाउट इट. तो थोड़ा सा ट्रैवली वाइब ऑलरेडी मुझे आ गई थी, मे बी दैट इज़ वाई आई गॉट माई हैट आउट. और यहाँ पे अभी बहुत हवा चल रही है, ये उड़ जाएगी. लेट्स गो इनसाइड एंड आई विल शो यू माई वाइट अलमीरा जिसके ऊपर मैप वैप लग चुका है. बट ऑनेस्टली यार जितनी गर्मी नहीं है जितनी हो रही थी पिछले कुछ दिनों से. बजाओ बजाओ हॉर्न बजाओ, यही सब तो मिस किया था मैंने. पा, पा, पा। उठने के थोड़ी देर के बाद ही मैं थोड़ा समेटना शुरू करती हूँ, बट व्लॉग आज पहले शुरू हो गया, समेटना बाद में होगा. सो दिस इज़ माई रियलिटी जिसको अभी बाहर आने की ज़रूरत नहीं है. आई हैव टू क्लीन दिस वन अप, ऑल्दो राइट वाली फिर भी बेटर है. एंड दिस इज़ ऑल आई हैव कलेक्टेड ओवर द ईयर्स. इफ़ आई शो यू यू विल बी अमेज्ड मैंने क्या क्या संभाल के रखा हुआ है. सो दिस इज़ द पेरिस का मैप, दिस इज रोम का मैप. मैं सारे मैप नहीं लगाऊंगी वरना सारी स्पेस यही खा जाएंगे. आई जस्ट सी कि क्या क्या लगाना है, तो अभी वो सब सॉर्ट होगा. दिस इज बास्तिया का मैप, यहाँ पे लिखा नहीं है. आई शेयर द सिटी मैप ऑफ बास्तिया. ये होटल स्टे के जो थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स थे अभी तक इनको फाइल में नहीं लगाया गया है, क्वारंटीन वगैरह वाले. ये मेरा मैप, इट्स अ मेस सो जस्ट बेयर विद मी. दिस आई गॉट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम अ फ्रेंड. जुगफ्राउ की टिकट जो मैंने सोलो ट्रिप करी थी उसकी है. इफ़ यू लुक एट द डेट यार, इट्स 1 July 2017. कम से कम इसको पूरे 3 साल होने वाले हैं. दिस इज द स्विस ट्रैवल पास, ये भी जाएगा. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. इवन जुगफ्राउ पे रास्ते में ना ट्रेन पे यू गेट अ चॉकलेट ऑल्सो, तो बाय द टीम इट्सेल्फ. तो उसका भी मैंने ये रैपर बकायदा संभाल के रखा है, यू सी इसके अंदर चॉकलेट थी. सो दिस ऑल्सो, ये पेरिस के एक म्यूजिय दौर से की टिकट, कितने की थी दैट आई डोंट रिमेंबर. ओ 12 यूरो, इट्स रिटन हियर. इसकी इंक भी अब लाइट होनी स्टार्ट हो गई है. ये है म्यूजिय द लूव्र की टिकट, ये थी 15 यूरो. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे करके सेग्रीगेट करें. सो दिस इज़ द वॉल जिस पे मैप तो लग चुका है, बाकी की स्पेस में क्या क्या लगेगा दैट वील डू टुगेदर. अगर इसका थोड़ा सा क्लोजर लुक दूँ, इसकी ग्लू भी निकल रही है और मम्मी ने यहाँ पे पेन चला के देखा हुआ है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा. एंड इफ़ यू हैव नोटिस्ड आई एम वेयरिंग अ बार्सिलोना टी शर्ट. ये मेरी नहीं है, मेरे भाई की है. अभी द डे हैज़ ओनली स्टार्टेड, तो अभी थोड़ा रूटीन वुटीन करके अपनी जो भी चीज़ें मैं करती हूँ मॉर्निंग में थोड़ी बहुत ही हैं, बट वो सब करके नहा धो के थोड़ी सी मम्मी की हेल्प करके सफाई वफाई में फिर मिलते हैं. चलो बाय बाय.
सो अमीगोज, इट्स ऑलमोस्ट 4, एक मिनट बचा है. सो आई हैव वन ऑनलाइन क्लास, पता नहीं इतने सालों बाद पढ़ा रही हूँ और ऐसा लग रहा है फ्रेंच पढ़ानी नहीं आती, इंग्लिश पढ़ानी आती है अब. तो 4 बजे एक क्लास है एंड आफ्टर दैट आई हैव 2 मोर क्लासेस. तो अभी ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी हो चुका है, 4 बज चुके हैं, बच्चे को कॉल किया जाए. चलो बाद में मिलते हैं. पर तू तो बहुत बड़ा हो गया यार. पर ये तो बता इतना बड़ा कैसे हो गया तू? देखो मैं इतना छोड़ के गई थी, तू तो इतना बड़ा हो गया. क्योंकि मैं तब 1 ईयर का था, अब मैं 4 ईयर का हो गया. 4 हो गया, पर आप दिखा तो 2 रहे हो. कूल डूड, तेरी तुम्हें. अच्छा और क्या बना है दिखाओ. ओहो यहाँ है सामान. अरे वाह, व्हाट आर यू राइटिंग बेबी? भगवान जी को समझ आ जाएगा, पर बोलेगा तो समझ आएगा ना. प्लीज मेरे साथ रह. टूट हो गई. 3 नहीं बजे मेरे भाई. कितने बजे? 7:15. चिकी, यू वांट टू मेक, व्हाट डू यू वांट टू मेक, व्हाट डू यू वांट टू मेक, क्या बनाना चाहते हो आप? What is this? Cookies banaye? Cookies? Get the butter. Yeah, all melted. All melted? Nice job. इसके ऊपर लिखा है पहले द शोकोला. चॉकलेट चिप इसमें है. इसको ना फ्रिज में रख दे. क्यों? फ्रीजर में रख दे, ठीक रहेगा. यू वांट टू डू इट? जस्ट टियर इट डाउन. ओके, होल्ड इट. टी शर्ट तो साफ कर ले अपनी अंग्रेज. गो थ्रो दिस इन द डस्टबिन. ओके, दिस आल्सो. वेमी, मैं टच कर देती हूँ, कर. अब हम डालेंगे बटर. जो तेरे गोलू गोलू हाथ है ना, उसको और मिक्स 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 करेंगे. स्मेल करके देखें कैसी आ रही है. आराम से मुझे खाना, लेकिन मुझे पीनट बटर नहीं चाहिए इसमें. बस रुक जाओ. आई थिंक अब हमें नानी की हेल्प ले लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है मासी यहाँ पे फंस गई है. जनानी को बुलाया. एक्चुअली दिस मिक्सचर आई गॉट फ्रॉम तूलों, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना रॉ है, इसको सब कुछ बनाना पड़ेगा. आई थॉट इसमें कुकीज़ हैं, बट इसमें जैसी इंस्ट्रक्शन थी कि 80 ग्राम्स बटर डालना है. शुगर एंड ऑल ऑलरेडी थी, चॉको चिप भी ऑलरेडी है. अब मम्मी की सुपरविजन चाहिए. मम्मी की सुपरविजन मच नीडेड. कुकी डो रेडी हो गया है. चिकी देख, देख नानी ने बना दिया. मतलब इसको सेट होने के लिए रख देंगे 30 मिनट. ओके ओके. सो आफ्टर 1 वेरी बैड फेल, एक कुकी जल गया था. ये एकदम ठीक बना है एंड आई ऑलरेडी केप्ट 3 फॉर कुकिंग. अब देखते हैं ये कैसे बनते हैं. लेट मी जस्ट कवर इट अपने देसी ओवन से. वेस्ट ना हो जाए, बस एकदम ठीक बन जाए. ऑन. यस बेबी, अब अंदर लेके चलेंगे, अभी भी थोड़ा हॉट है. यस. अरे दिखा तो दे मम्मा को. चाय भी पी जाए मम्मा. ओके अमीगोस, मैंने वॉलपेपर मंगवाया था जस्ट टू ट्राई कि कैसा लगता है. तो ये ब्रिक इल्यूजन वाले वॉलपेपर हैं एंड इट वर्क्स सुपर्ब. एंड आई हैव ऑलरेडी मेड 1 वीडियो यूजिंग जस्ट दिस पोर्शन ऑफ माय वॉल,
जो कि बाकी का अगर मैं जूम करके एकदम पास से दिखाऊं तो ये हाल है मेरी दीवार का। तो अब मुझे क्रूशली वॉलपेपर की ज़रूरत है, और एक दो जगह से तो पापड़ी भी निकल आई है, तो इससे पहले कि मेरे डांट पिट जाए कि ये क्या करा है, आई नीड टू कवर दिस बेबी अप। और मैंने इस पर लाइट भी लगाई थी, जस्ट आई डोंट नो इसको मैं रखने वाली हूँ या हटाऊँगी, बट इट लुक्स सुपर प्रेटी। और ऐसे भी होती है, डिक्ची वाली भी है, मैंने ऑर्डर कर दिया था बाकी का वॉलपेपर, सो अब बस इसको लगाना है। अब देखो इससे कितनी दीवार कवर होती है, आई थिंक आई एम अज्यूमिंग कि कम पड़ेगा, बट अगर कम पड़ेगा तो वील सी, बट फॉर द फ्यूचर वीडियोस आई थिंक आई कैन कवर दिस एरिया अ लिटिल बिट मोर, बिकॉज मेरे को याद है द लास्ट वीडियो विच आई वॉज फिल्मिंग यूजिंग दिस लिटिल पोर्शन, तो मैं इतनी पास यहाँ पे बैठी थी सो दैट कैमरा का फोकस सिर्फ इतने एरिया में जाए, although there were some boundaries यहाँ की green वाली जो दिख रही थी वीडियो में, but I was like never mind, तो मैंने कैमरा बहुत पास रखा था अपने ताकि वो linear focus आए। and this is the beautiful painting, ये कहीं नहीं जाती, I love you, I still love you। क्या है ये, 9:30 बज रहे हैं, I'm not sure if I want to put this up like right now because कल Tuesday है और अभी तक उसकी वीडियो रेडी नहीं है, so I'm gonna work on that, so I'll see you later। On second thoughts, I think कर लेना चाहिए, बिकॉज कल भी करना है आज भी करना है, तो माइट एज वेल डू इट टूडे इट सेल्फ। तो आई एम जस्ट गोना प्लेस यू हियर अमीगोज़ इफ यू डोंट माइंड। दिस इज सो गॉडडैम स्टिकी, मतलब मेरा हाथ इस पर लगता है तो ये पूरी की पूरी फोम बाहर आ जाती है तेरी, तो थोड़ा सा ट्रिकी है इसको चिपकाना, बट नेवर माइंड। आई थिंक इसको यहाँ लगा देना चाहिए, विल सी पहले इसको प्रॉपरली। ओहो ये तो हर जगह चिपक गया, कट दिस हैंड। ओह एंड द मैस, अभी तो ये शुरू हुआ है, but end result will be good, it's promising, it seems promising at least। oho mujhe wax bhi karni padegi, ab to apne aap ho jayegi वैसे। okay so it's a bit tricky, jitna main soch rahi thi usse thoda sa zyada hai, kyunki ye glue iske upar bahut zyada sticky hai। main isko apne sir pe aise leke niche se lagana shuru karti hu, pura upar tak leke jati hu taki mere haath pe ye chipakni band ho, it's super strong which is a good thing। सो दिस इज़ द फाइनल लुक, आई एम नॉट श्योर कि मुझे बाकी पूरी वॉल के लिए मंगवा लेना चाहिए या इतना ठीक है, बिकॉज देखा जाए तो एक बड़ा ही ना मेसी येट ऑर्गेनाइज वे में लगा। ओके अमीगो, सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू गो लाइव ऑन यूट्यूब फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, लिटरली कितनी बारी बोलूँगी फॉर द फर्स्ट टाइम, बट आई एम लिटल बिट इंटिमिडेटेड बिकॉज आई कैन नॉट एडिट वॉट आई से, सो आई नीड टू वॉच माई माउथ। I have like a theme related to this live session which is going to be travels, and I think by the time I'll upload this vlog wo live session already ho chuka hoga and it will be there, so you can go watch it if you haven't already। and I have set it up properly, kal jo maine wallpaper lagaya tha it's giving a good backdrop, live session ki baat milte hain। to amigos live session is done, बट किसी के पास नोटिफिकेशन गई नहीं, तो बेसिकली लाइव में सिर्फ मैं थी और कोई नहीं था, क्योंकि जब लाइव में एंड करने लगी ना, आई वॉज गोइंग टू इंस्टाग्राम क्योंकि वहाँ पे भी क्वेश्चंस आए हुए थे, तब मेरे पास मैसेजेस आए कि हमें पता ही नहीं है कि लाइव हो रहा है या क्या हो रहा है, देन आई वॉज लाइक कि अच्छा तभी कोई नहीं है यहाँ पे, तो आई एम जस्ट फिक्सिंग दैट ग्लिच, और छोटे मोटे ग्लिचेस आने लग गए हैं यूट्यूब पे, ज़रा बात करनी पड़ेगी, नोटिफिकेशन नहीं जाती यार सब्सक्राइबर्स को, ऐसे थोड़ी ना बात चलेगी, मतलब खुद की वीडियो खुद ही देख रहे होते हैं, और ये व्लॉग तो मतलब बिट्स एंड पीसेस में ही हो रहा है, तो लेट्स सी नेक्स्ट कब व्लॉग करते हैं, बट थैंकफुली सेव तो हो गई है। ये भी हो सकता है कि भैया आई वॉज डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मेरी तरफ से गड़बड़ हो सकती है, तो नेक्स्ट टाइम लाइव करेंगे तो पहले एक डेमो करके देख लेंगे। आई एम जस्ट चेकिंग ओवर एंड ओवर, तो अभी भी प्रोसेसिंग दिखा रहा है, और मेरे पास सबके इतने मैसेजेस आ गए हैं, सो हम्बल्ड कि तुम लोग लिटरली वेट कर रहे थे, विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि चल ठीक है, मेरे पास जो क्वेश्चन थे आई वॉज लाइक कि चल आंसर करूंगी। Yeah guys, that's it for today's video. I hope you liked this vlog because I know this vlog was all over the place and it was like a family get together. And it was so amazing spending time with my nephew and cooking with him specially because he has grown up a lot. Like I know थोड़ा मदरली साउंड कर रहा होगा, बट
बच्चे कितनी जल्दी बड़े होते हैं, हाय। बट सीरियसली आई एंजॉयड सो मच स्पेंडिंग टाइम विद रियांश, माई बेबी डाइनो, स्पेशली माई नेफ्यू एंड माई होल फैमिली, एंड आई एम सुपर ग्लैड एंड ग्रेटफुल दैट आई एम हियर विद माई फैमिली, स्पेशली इन दीज टाइम्स। एंड छोटी मोटी चीजें, थिंग्स लाइक दीज विल कीप कमिंग अप ऑन माई चैनल, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मेरी थूक गले में अड़ गई तो आवाज थोड़ी सी ऐसी हो गई है, बट डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। प्रोबेबली अब ठीक हो गई। टिल देन यू नो व्हाट टू डू, ड्रीम, हसल एंड एक्सप्लोर। बाय बाय।